हेलो गाइस, मेरा नाम है करण। आप सभी का मैं दिल से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में इंपोर्टेंट गेमिंग। तो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे सीक्रेट टिप्स बताने वाला हूँ क्लैश फॉर रैंक के, जिससे तुम भाई एक ही दिन में हीरोइक जगा सकते हो। ठीक है, ऐसे सीक्रेट्स बताने वाला हूँ, ऐसे कुछ टिप्स दिखाने वाला हूँ कि भाई तुम अगर ये फॉलो कर लोगे तो यार क्लैश फॉर के तो भाई तुम किंग ही बन जाओगे। ठीक है, तो चलो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो। तो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर अभी तक तुम लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि भाई ये क्लैश फॉर के रैंक कुछ का भाई पूरा सीरीज में लाने वाला हूँ अभी, कि भाई इसके टिप्स एंड ट्रिक्स का पूरा मैं सीरीज लाने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए, अच्छे वीडियोस चाहिए, तो भाई तुम चैनल को सब्सक्राइब करो और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो। चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यार सबसे पहले तो मैं यार थैंक यू कहना चाहता हूँ आकाश भाई और राय भाई को, क्योंकि इन्होंने भाई ये वीडियो बनाने में मेरी बहुत हेल्प की है। तो शुक्रिया दोस्तों, यार तुम लोग मेरी जान हो। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो यार हम लोगों ने एक कस्टम बना लिया और भाई हम तुम्हें डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे अभी कि तुम कैसे नॉक होते हो और कैसी सिचुएशन में तुम्हें क्या करना है। ठीक है, तो देखो यार सबसे पहले तो मैं फैक्ट्री में के जो भाई मैप आता है उसकी बात करता हूँ। तो राइट साइड से तुम्हें अगर जाना है तो भाई राइट साइड से जाओ। उसके बाद भाई यहाँ पे तुम्हें वेट करना है, ये जो पिलर है उसके पीछे बंदा आ रहा है तो उसको देखो आराम से, अगर ओपन में है तो भाई फायर करो, वरना भाई कवर में चले जाओ अगर नॉक नहीं कर पा रहे हो तो, क्योंकि एक से अगर ज़्यादा बंदे होंगे तो तुम्हें यहाँ नॉक कर सकते हैं। अगर एक बंदा है तो तुम्हें नॉक करके भाई निकल जाना है। उसके बाद भाई तुम्हें दूसरी टिप ये है फैक्ट्री में कि भाई तुम्हें यहाँ पे ये जो बक्सा है उसके पीछे कई बार बंदे कैंपिंग करते हैं, तो अगर तुम्हारे पास ग्रेनेड है तो तुम ऐसे ग्रेनेड डाल के भाई उसको आराम से किल कर सकते हो। गाइस एक किल यानी भाई बहुत ज़्यादा फायदा होता है। अभी ये पिलर के पीछे देखो यार, वो बंदा सामने से आया है तो भाई आराम से मैंने उसको नॉक किया, यानी हमको कवर में रहना है। देखो यार तुम ये क्लिप्स देखो, हमको कवर में रहना है। ठीक है, सबसे पहली टिप यही है, हमको कवर में रहना है और उनको आने देना है, बिल्कुल भी हमें फाइट नहीं करना है। ठीक है, उनको आने दो, उसके बाद भाई आराम से उनको पेल दो। ठीक है, अभी यहाँ पे फैक्ट्री में ऊपर एक बंदा भाई कैंपिंग कर रहा है तो तुम यहाँ पे आओ, ग्रेनेड को कुक करो और भाई कुक किया हुआ ग्रेनेड भाई ऊपर तुम्हें डालना है ऐसे। भाई जैसे ही ऊपर ग्रेनेड जाएगा तो भाई वो फटेगा और भाई बंदे की गांड फट जाएगी, समझ रहे हो ना तुम। भोसड़ी के तेरे गांड में डाल दूंगा मैं। देखो यार गाइस, अभी इसके बाद भाई ये जो मेन टिप है, ठीक है, इसको भाई तुम सीक्रेट टिप कह सकते हो। ठीक है गाइस, अगर तुमने ये टिप को मास्टर कर लिया ना तो सच में भाई सामने वाला बंदा रो देगा भाई, मुंह देगा यार, हग देगा यार तुम्हारे सामने, इतना बढ़िया तुम्हारा गेम प्ले हो जाएगा। ठीक है, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। यानी तुम्हें यार देखना है कि तुम्हारा बंदे का पोजीशन कैसा है। ठीक है यार, राय भाई देखो वहाँ पे बैठा है तो मैं वहाँ पे नीचे देख रहा था, और भाई जैसे ही भाई वो वहाँ पे देख रहा है तो राइट से बंदा वो देखेगा, लेफ्ट से मैं देखूंगा अगर कोई हम पे रश कर रहा है। उसके अलावा कोई बीच में से आएगा घर में से तो भाई वहाँ पे भी एक बंदे को तुम्हारी टीम को भाई खड़े रहना है। अगर भाई तुम सभी बंदे एक ही जगह चिपकोगे तो यार भोसड़ी के तुमको पीछे से कोई आके तेल के चला जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, और भाई तुम्हारे गांड में इतना गोली घुसा देगा ना भाई, तुम्हें कुछ पता भी नहीं चलेगा, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो इसीलिए तुम्हें क्या करना है भाई, अलग अलग पोजीशन पे देखना है कौन सी पोजीशन में भाई वो आ सकते हैं। ठीक है, उसी अकॉर्डिंग भाई तुम्हें अपने पोजीशन रखनी है, ये नहीं करना है कि भाई एक बंदा वहाँ पे गया, एक बंदा यहाँ पे गया तो चलो हम सभी उसी के साथ चलते हैं, उसको भाई पिछोड़ा चाटेंगे वहाँ पे जाके, भाई ऐसा नहीं करना है। ठीक है, और यहाँ पे गाइस मैं सेंटोसा में आ चुका हूँ, यार हम लोग सेंटोसा में आ चुके हैं ये मैप में। तो अभी यहाँ पे देखो वहाँ पे एक बंदा खड़ा है और भाई कैंपिंग कर रहा है, तो जैसे ही भाई वो बाहर आएगा तुम उसको आराम से मार सकते हो, तुम्हें वो दीवार के पीछे ही खड़े रहना है और आराम से भाई तुम्हें भी वेट करना है। ठीक है, अभी देखो मैं यहाँ पे हूँ घर के अंदर, तो यहाँ से एक बंदा घर के अंदर आके भाई रश करने का ट्राई कर रहा है तो तुम उसको ऐसे फेल सकते हो। ठीक है, यानी बहुत सिंपल यार, तुम्हें कवर में रहना है और आराम से फेलना है। देखो मैं यहाँ पे कवर में ऊपर खड़ा हूँ, ऊपर से विजन ज़्यादा आता है तो भाई उस बंदे को मैंने आराम से फेल दिया। ठीक है, और इसमें जितने भी पोजीशन तुम्हें दिखा रहा हूँ, यानी मैं जिस पोजीशन पे खड़ा रह रहा हूँ, ठीक है यार, देखो ये बेल जगह जो है इसके पीछे तुम्हें खड़ा रहना है और भाई यहाँ पे कैंप करना है और आसपास में देखना है, अगर भाई ग्रेनेड आ रहा है तो तुम्हें तुरंत ही भाई पोजीशन चेंज करनी है और निकल जाना है। ठीक है, तुम अगर ये पोजीशंस को भाई याद कर लोगे तो तुम आराम से भाई ऐसे बंदों को नॉक कर सकते हो और आराम से भी हीरोइक जा सकते हो। ठीक है, हर मैप में ऐसे कोई ना कोई पोजीशन होता है, सामने वाला बंदा अगर तुम बहुत वेट करो फिर भी नहीं आ रहा है तो तुम ऐसे ग्रेनेड कुक करके ट्राई कर सकते हो उसको नॉक करने का, अगर एक बंदा नॉक हुआ है तो फिर रच कर दो। यहाँ पे भाई हम आ चुके हैं अभी कोची नॉक के मैप में, तो देखो यहाँ से ओपन में से एक बंदा आ रहा है, अगर ऐसे भाई बंदा आ रहा है ओपन में तो तुम ट्राई करो कि भाई हेड पे हेड मारो। ठीक है, फिर यहाँ पे ये जगह है भाई, यहाँ पे तुम कैंप कर सकते हो, अगर कोई बंदा राइट साइड से रश कर रहा है ये मैप में, फिर अगर लेफ्ट साइड से रश कर सकता है तो भाई घर के अंदर तुम रहो और भाई घर के अंदर से तुम उसको ऐसे फेल सकते हो। ठीक है, यानी ये सब भाई जगह है भाई, अगर तुम ये घर के अंदर जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे सामने वाला बंदे का ग्रेनेड आएगा और भाई तुम्हारा पिछोड़ा फट जाएगा, इतना फट जाएगा ना कि भाई क्या ही बताऊँ मैं। यहाँ पे अगर ये घर के अंदर दो तीन बंदे कैंपिंग कर रहे हो, आगे पीछे दोनों साइड से ग्रेनेड डालेंगे,
और इतने ग्रेनेड्स आएंगे ना भाई, तुम्हें कुछ पता नहीं चलेगा कब रश हुआ, क्या हुआ, क्या कांड हुआ, कब मेरा कट गया। समझ रहे हो ना, सब कुछ निकाल देंगे भाई, तुम्हारा चड्डी भी नहीं छोड़ेंगे, याद रखना ये चीज। तो चलो अभी यहाँ पे मैं आ चुका हूँ ऑब्जर्वेटरी पे मैप पे। तो यहाँ पे देखो यार बंदे को कैसे भाई मैं पोजीशन जो दिखा रहा हूँ यार, ये खास करके याद रखना। यहाँ पे मैं भाई ग्रेनेड से नॉक कर रहा हूँ, अगर वो ग्रेनेड से भाई नॉक नहीं हो रहा है और ऐसे भागने का ट्राई करता है तो तुम इजीली उसको भाई गन निकाल के नॉक कर सकते हो, ठीक है। तो अभी देखो एक और चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे कि यार यहाँ पे तुम्हें गलती क्या नहीं करना है। देखो मैं जैसे यहाँ पे सीधा दौड़ के गया और भाई आकाश भाई ने आराम से मेरे को नॉक कर दिया, मैंने गन निकाला तब तक भाई उसने नॉक कर दिया है, ठीक है। तो अभी मैं क्या बताऊंगा भाई, मेरे को राय बचा ले भाई, तू टट्टी है, राय मेरे को बचाने नहीं आया, ये वो टीममेट्स को क्यों कोसते हो भाई, ऐसे ओपन में जा रहे हो और फिर तुम ऐसा बोलते हो कि भाई टीममेट्स मेरे अच्छे नहीं है, ये है वो है, ठीक है। तो गाइस अभी ये मिल के मैप में यहाँ पे तुम एक ग्रेनेड कर सकते हो, और भाई यहाँ पे नीचे जो बालकनी है वहाँ पे भी एक ग्रेनेड कर सकते हो, और उसके बाद भाई मार्स इलेक्ट्रिक्स में तुम भाई यहाँ पे वेट कर सकते हो, और यहाँ से भाई ग्रेनेड भी जाता है, अगर तुम्हें नहीं पता है तो ग्रेनेड भी जाता है। ओके, तो भाई यहाँ पे केप टाउन के मैप में यहाँ से तुम घर के अंदर भाई एक ग्रेनेड डाल सकते हो, अगर भाई बंदा तुम्हें दिख चुका है तो वहाँ पे आराम से नॉक हो जाएगा और उसकी गन फट जाएगी। तो ये थे भाई कुछ आज के क्लैश फॉर के रैंक के टिप्स एंड ट्रिक्स, ऐसे और भी आगे मैं लाने वाला हूँ, नए मैप्स के भी लाने वाला हूँ। तो अगर तुम नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। मिलते हैं अपने एक और नए वीडियो में, अभी के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।